वेलकम बैक। आज है मदर्स डे के लिए सेलिब्रेशन रुद्राक्ष के स्कूल में। मदर्स डे कल है लेकिन सेलिब्रेशन आज है, तो उसके लिए मैं रेडी होके जा रही हूँ। और ये देखो मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे हैप्पी हैप्पी लग रहा है क्योंकि पहली बार रुद्राक्ष के स्कूल में कुछ ऐसा हो रहा है और जाने का मौका मिल रहा है। और हमारी शाम की फ्लाइट भी है तो। और ये मैं पहुंच गई हूँ वेन्यू पे। आपको दिखाती हूँ यहाँ पे सारा सेटअप कैसा था। और ये सारी मदर्स बैठी हैं। इसी के बाद शुरू हुई सारी परफॉर्मेंसेस और गेम्स जो हमने बहुत इंजॉय करी। आओ आपको भी इनके परफॉर्मेंसेस का ग्लिम्स देते हैं। मैं आ गई वापस। फंक्शन बहुत ही अमेजिंग था, सही में बहुत अच्छा था। पता है उन्होंने वहाँ पे सबसे पहले जाते ही फ्लावर लगाया और फिर ये वाला टैग लगाया माँ का और एक टोकन नंबर दिया। उसके साथ में बहुत सारे रिडल्स और बहुत सारे गेम्स थे। उसमें मैं ये जीत के लेके आई और ये जीत के लेके आई। मैंने आप लोगों के लिए भी कुछ क्लिप शूट किए तो आप देखना उसको। इतना सारा टाइम स्कूल में स्पेंड करने के बाद टाइम हो गया फ्लाइट का और हम निकल पड़े एयरपोर्ट के लिए। अब तो इतनी सारी ट्रैवलिंग के बाद एयरपोर्ट भी अपना घर ही लगने लगा है और यहाँ पे काम करने वाले सारे लोग अपनी फैमिली लगने लगे हैं। बोर्डिंग पास और सिक्योरिटी चेक कराने के बाद हम पहुंच गए गेट के पास, क्योंकि इतना थक चुके थे तो बस मन कर रहा था एक जगह तसल्ली से बैठ जाए। रुद्राक्ष को मिल गया यहाँ पे पानी भरने का काउंटर, तो बस अब ये पानी भरने के काम में लग चुका है। और इसको सेंसर के साथ खेलने में इतना मज़ा आ रहा था कि वहाँ पे जो गार्ड थे उनको आके इसको हेल्प करना पड़ा बताने के लिए कि भाई क्या करना है कैसे करना है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे खड़े हो। पर रुद्राक्ष ने तो इसको भी यूज़ करना सीख लिया। बोर्डिंग में अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम था, हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे, तो हमने सोचा क्यों ना टाइम को यूटिलाइज करके कुछ खाने पीने के लिए ले लिया जाए। हमने लिया है ये डोनट, ये वाला डोनट हमने लिया है, ये तो हमने लिया है। हम लेकिन जाके बैठेंगे गेट के पास, पर तब हम खाएंगे। ये रहा हमारा गेट, ये है हम दोनों के काम। हम आ गए हैं यहाँ पे। खाना पीना तो बाद में हो जाएगा, पर थोड़ा रेस्ट होना चाहिए राइट। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है और रुद्राक्ष की एक्साइटमेंट का कोई लेवल नहीं है। कहाँ जा रहे हो? प्लेन में। किसके पास? पापा। तो खुशी किस बात की है, प्लेन में जाने की कि पापा के पास जाने की? दोनों। बस प्लेन में जाने की, इसलिए कुछ खुशी है क्योंकि वहाँ पे टीवी भी मिलता है। ओह माय गॉड। प्लेन हमने बोर्ड कर लिया और अपनी अपनी सीट्स पे बैठ गए थे। इसके बाद थकान की वजह से हम सो गए थे, तो अब कैमरा जो उठाया गया वो सीधा सुबह ही उठाया गया लैंडिंग के टाइम पे। इसे सनराइज इतना खूबसूरत था, मतलब मन किया कि कैमरा उठाया जाए और आप लोगों को भी ये शूट दिखाया जाए। इतने खूबसूरत से बादल, इतना खूबसूरत सन, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब एक मेडिटेशन मोड था। और जब लैंड करने लगे तो जो वहाँ से नदी दिख रही थी और साथ ही में बाकी की सराउंडिंग्स थी वो भी बहुत अमेजिंग थी। एयरपोर्ट से बाहर आते ही गौरव हमारा वेट कर रहे थे और बस ये वीडियो क्लिप भी उन्होंने ही हमारे लिए रिकॉर्ड करी है, क्योंकि हमारे पास हाथ में जगह नहीं थी कैमरा पकड़ने की। पापा बेबी का प्यार क्या लेके आया बेबी? हाँ वाला क्या? कितनी वेजिटेबल्स खाएगी आपने? बहुत सारी, इसीलिए आप बड़े हो गए। पापा ने तो इधर वेजिटेबल भी नहीं खाई थी, पापा बड़े ही नहीं हुए, उतने रह गए। तो ही मिल गई है वियतनामीज कॉफ़ी और अब हम इसको पियेंगे, रिलैक्स करेंगे। ऐसा लग नहीं रहा कि हम यहाँ से गए थे। अब कुछ दिन आप एंजॉय करो वियतनाम के व्लॉग्स और ये इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।